शहर में जाएं तो वहाँ का ज़ू आप लोग ज़रूर विज़िट करें। और मैंने तो बहुत सुना है कराची ज़ू के बारे में, इसलिए पर्सनली आज मैं खुद कराची ज़ू विज़िट करने आई हूँ। और जब भी ज़ू के बारे में यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो कराची ज़ू के बारे में ही आता है, तो चलिए आज हम कराची ज़ू को विज़िट करते हैं। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल जर्नी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब एंटर होते हैं और टिकट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको टिकट की इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि कितनी टिकट्स हैं। तो अब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तो आइए मेरे साथ इस सफ़र में। और अब देखें हम अंदर आ चुके हैं टिकट काउंटर की तरफ और अब टिकट परचेज करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये टिकट काउंटर है जहाँ थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है और इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत जल्द रेनोवेट हो जाएगी चीज़ें और फिर ये एंट्रेंस भी बहुत खूबसूरत लगेगा। व्यूवर्स, एंटर होते ही हमें पहला पिंजरा एक कोकोडाइल के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर देखें कोकोडाइल की इंफॉर्मेशन भी लिखी गई हैं। और ये देखें आपको अगर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और हम थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर बहुत ही नायाब किस्म के दो कोकोडाइल्स रखे गए हैं और ये कोकोडाइल्स के बेबीज हैं गाइस। तो आप आए और इस कोकोडाइल्स को इंजॉय कीजिए। और यहाँ पर देखें डक्स भी हैं, बड़ी प्यारी प्यारी डक्स रखी गई हैं और बड़ी ही खूबसूरत सी डक्स हैं जिनके लिए एक आर्टिफिशियल झील भी बनाई गई है ताकि वो थोड़ा कंफर्ट एरिया में भी अपने रह सकें। और बड़ी ही खूबसूरत सी झील है, यहाँ पर अपना डक्स एंजॉय कर रही हैं। तो ये देखें एक ट्रेन जाती हुई आपको दिख रही होगी, ये मिनी ट्रेन है जो पूरा ज़ू घुमाती है। और साथ ही साथ ये देखें भूत बंगला और एक मुमताज़ महल भी है। इस मुमताज़ महल के बड़े किस्से हैं गाइस, लोग कहते हैं कि ये मुमताज़ आधी इंसान और आधी लोमड़ी है। इंशाल्लाह हम जब पार्ट टू बनाएंगे तो ज़रूर जाएंगे इस भूत बंगले और मुमताज़ महल में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही हम एक मंकी के पिंजरे की तरफ आ गए जहाँ इसकी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। आप स्टॉप वीडियो करके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये देखिए मंकी आपको दिख रहा होगा, बड़ा ही प्यारा मंकी है जो बेचारा उदास बैठा हुआ है, शायद इसकी लैला भाग गई है इसलिए वो उदास हो गया है गाइस। और ये देखें वो ऊपर इसका एक बेबी भी बैठा हुआ है जो बेचारा अपनी माँ को ढूंढ रहा है कि मेरी माँ कहाँ चली गई, कोई ढूंढ के लाओ मेरी माँ को। तो चलिए इसे छोड़िए, ये तो मजाक हो गया गाइस। और ये देखिए एक कैफेटेरिया है जहाँ आप स्नैक्स भी ले सकते हैं और यहाँ पर स्नैक इंजॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद आपको एक ब्राउन बियर देखने को मिल जाएगा, यानी कि ब्राउन कलर का भालू देखने को मिल जाएगा। तो ये देखें भालू हमसे कुछ रूठा था तो बहुत जाके दूर बैठा था, तो ये देखें बहुत दूर जाके बैठा है। हमने तो बड़ी कोशिश की कि भाई आ जा, हम आपकी वीडियो बना लेते हैं, सेल्फी खिंचा लेते हैं ताकि लोग भी आपको देख के इंजॉय कर लें, पर ये भाई साहब आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे और इतने नखरे दिखा रहे थे। इतने नखरे तो भाई दुल्हन भी नहीं दिखाती जितने नखरे आप दिखा रहे थे हमें। तो अब ये तो हमें नखरे दिखा रहे हैं और आगे नहीं आ रहे क्योंकि ये शायद सलून नहीं गए थे इसलिए थोड़ा उदास थे हमसे और पास नहीं आ रहे थे तो वीडियो भी नहीं बना रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसे यहीं छोड़ते हैं ताकि ये शर्माना बंद करे और अपना एंजॉय करे। और अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हमें एक अफ्रीकन शेर देखने को मिल जाएगा गाइस। और ये देखें शेर भी कुछ उदास ही बैठे हुए थे और आराम फरमा रहे थे, तो हमने उनको भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, उनको भी हमने बहुत बुलाया कि भाई आ जाओ, आप हम आपके लिए ही आए हैं ताकि आपकी बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाएं और लोगों को इंजॉय करवाएं, पर वो भी नहीं आ रहे थे। वो शेर आ जाए तो वो कैसे आएंगे। और यहाँ पर देखिए झूलों के सेक्शन में हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर बड़े ही छोटे छोटे बच्चों के प्यारे प्यारे झूले हैं जिसकी टिकट सिर्फ 50 रुपये हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चे झूले खाते हुए और बड़े ही इंजॉय कर रहे हैं ये बच्चे झूले पर। तो यहाँ पर अभी भी रेनोवेशन का थोड़ा काम चल रहा है गाइस, तो इंशाल्लाह आगे जाके बड़े प्यारे प्यारे और झूले यहाँ पर इंस्टॉल होंगे। तो यहाँ पर अभी तो जितने हैं तो इसी की राइड करके बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं है और बच्चे कितने खुश हैं इस राइड पर बैठ के।
और यहाँ पर एक दो बड़े ही प्यारे जंपिंग कैस्टल लगाए गए हैं जहाँ बच्चे जंपिंग करके खूब इंजॉयमेंट करते हैं और इसे देख के हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। जाहिर सी बात है जब हमारे बच्चे खुश तो हम खुश हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आइए, अपने बच्चों को इंजॉय करवाइए और अपनी पिकनिक भी आप लोग इंजॉय कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमें एक स्नैक हाउस दिखा। तो चलिए आप इस स्नैक हाउस के अंदर भी जाते हैं और आपको बड़े प्यारे प्यारे नायाब किस्म के स्नैक्स भी दिखाते हैं। यहाँ पर एलाकोंडा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आइए, और यहाँ की टिकट आपको 40 और 20 रुपये की है, बड़ों की टिकट 40 और बच्चों की टिकट 20 की है। तो अब अंदर चलते हैं और आपको स्नैक दिखाते हैं। तो अब हम अंदर की तरफ आ चुके हैं गाइस, और ये देखिए पहले ही हम आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पर वॉल पर हर स्नैक के ऊपर एक डिटेल लिखी गई है कि ये स्नैक कहाँ का है, कहाँ से है, और इस स्नैक का नाम क्या है, और ये स्नैक कितने टाइम से है, और इनकी लाइफ टाइम क्या होती है। तो इन सब का इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मेंशन होगा। तो गाइस यहाँ पर आके आप अपनी इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी ला के बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि कितना ही प्यारा ये हाउस बनाया गया है, स्नैक हाउस। तो ये देखें कितने ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरे गए हैं। तो यहाँ पर आके आप इंजॉय कीजिए स्नैक्स को। तो चलिए ये वीडियो आप इंजॉय कीजिए, और आई होप कि आपको स्नैक्स अच्छे लगेंगे और आप इसकी इंफॉर्मेशन। कितना ही ज़बरदस्त स्नैक हाउस बनाया गया और कितने ही मज़े मज़े के स्नैक रखे गए हैं। मुझे देख के तो खूब इंजॉय हुआ गाइस, क्या आपको देख के भी इंजॉय है? और अगर आपने देख के इसे इंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपके लिए ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन हम लाते रहें। और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और कमेंट करने से हमें बहुत सारी मोटिवेशंस मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए करें। तो चलिए अब हम थोड़ा बाहर आ गए, और ये देखें आपको कितनी प्यारी आर्टिफिशियल वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए कितना ही प्यारा वाटरफॉल हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़े वाले बिग साइज वाले कोकोडाइल्स रखे गए हैं। हमने शुरू में आपको बड़े स्मॉल बेबी दिखाए थे इसके, और यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े और जानदार और तगड़े तगड़े आपको देखने को मिल रहे हैं कोकोडाइल्स। तो कहीं यहाँ पर अंदर जाने की आप लोग गलती मत करिएगा, वरना कहीं आप इनका लंच या डिनर ना बन जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन कोकोडाइल्स को भी हम अलविदा कहते हैं और इनको हम सुकून से रहने देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हमें वो अपना लंच या डिनर बना लें और भी ज़्यादा तगड़े हो जाएँ। तो हम इन्हें बाय बाय कहते हैं, अल्लाह हाफिज़ कोकोडाइल्स। तो चलिए अब हम अपने ट्रेन की सफ़र की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम शुरू में आपको दिखाया था कि यहाँ पर हम ट्रेन का सफ़र करेंगे। ये ट्रेन हमें पूरा ज़ू घुमाती है गाइस।
तो आप इस ट्रेन की हम टिकट लेते हैं और देखते हैं कि इसकी टिकट क्या है। लेकिन इस बीच आप देखें, यहाँ पर आपको बैठने के लिए बड़ा खूबसूरत पार्क भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे भले अपने सफ़र को बढ़िएगा। तो ये देखें, हम टिकट काउंटर की तरफ भी आगे बातें करते करते, और यहाँ से अब हम अपनी टिकट लेते हैं। और यहाँ की टिकट देखें, हमने टिकट्स ले लिए और जस्ट 50 रुपीज़ की टिकट है। और देखिए, ये ट्रेन चलना भी स्टार्ट हो गई है। तो चले हम अब सफ़र करते हैं इस ट्रेन का, और आपको दिखाते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे मंजर इस ट्रेन के ज़रिए। तो चलिए अब इस ट्रेन का। कैसी लगी आपको ये ट्रेन की जर्नी? लगी ना बड़ी मज़ेदार? तो आप भी आइए यहाँ पर ट्रेन की जर्नी लीजिए और इसे खूब इंजॉय कीजिए गाइस। तो ये देखिए, कितना ही मज़ेदार सफ़र है इस ट्रेन का, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा फीस भी नहीं इस ट्रेन की, जस्ट 50 रुपीस है। और छोटे बच्चे तो इधर फ्री है ट्रेन में, तो आप आइए इस ट्रेन की जर्नी हासिल कीजिए।
और ये देखिए हमें यहाँ पर एक कैंडी फ्लो वाले भी दिख गए हैं, जिसे हम कॉटन कैंडी भी कहते हैं, जो हमने बड़े बचपनों में खा के बहुत मज़े इंजॉय किए हैं। तो चलिए यहाँ पर अपना बचपन दोबारा जीते हैं और इस अंकल को बोलते हैं कि हमारे लिए भी एक कॉटन कैंडी लगा दे। तो ये देखिए अंकल हपा हमारे लिए भी एक कॉटन कैंडी बना रहे हैं, और ये देखिए कितने ही प्यारे और कितने ही सुंदर सुंदर कलर हैं इनके पास, एक वाइट, एक पिंक, एक ब्लू। वाह 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 वाह, क्या बात है। और इस कलरफुल कॉटन कैंडी को देख के तो दिल कर रहा है कि बस रहा ही नहीं जा रहा है कि अंकल प्लीज हमें। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये ट्रेन की जर्नी? लगी ना बड़ी मज़ेदार? तो आप भी आइए यहाँ पर ट्रेन की जर्नी लीजिए और इसे खूब इंजॉय कीजिए गाइस। तो ये देखिए कितना ही मज़ेदार सफ़र है इस ट्रेन का, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा फीस भी नहीं है इस ट्रेन की, जस्ट 50 रुपीज़ है, और छोटे बच्चे तो इधर फ्री है ट्रेन में। तो आप आइए इस ट्रेन की जर्नी हासिल कीजिए। और ये देखिए हमें यहाँ पर एक कैंडी फ्लो वाले भी दिख गए हैं, जिसे हम कॉटन कैंडी भी कहते हैं, जो हमने बड़े बचपनों में खा के बहुत मज़े इंजॉय किए हैं। तो चलिए यहाँ पर अपना बचपन दोबारा जीते हैं और इस अंकल को बोलते हैं कि हमारे लिए भी एक कॉटन कैंडी लगा दे। तो ये देखिए अंकल हपा हमारे लिए भी एक कॉटन कैंडी बना रहे हैं, और ये देखिए कितने ही प्यारे और कितने ही सुंदर सुंदर कलर हैं इनके पास, एक वाइट, एक पिंक, एक ब्लू। वाह 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 वाह, क्या बात है। और इस कलरफुल कॉटन कैंडी को देख के तो दिल कर रहा है कि बस रहा ही नहीं जा रहा है कि अंकल प्लीज़ हमें जल्दी दे दें ताकि हम ये मज़े की कॉटन कैंडी इंजॉय करें। तो गाइस ये देखिए हमने अपने हाथ में ये कॉटन कैंडी ले ली, और इसकी प्राइस भी जस्ट 20 रुपीज़ है, और क्या बात है, आहा, क्या मज़ा है इस कॉटन कैंडी में, बचपन की याद दिला दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए गार्डन फास्ट फूड है, और यहाँ पर आपको हर किस्म के फास्ट फूड मिल जाएंगे गाइस, और यहाँ पर बड़ा ही बेहतरीन फास्ट फूड का इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पर देखिए ये स्टॉल्स लगे हुए हैं फास्ट फूड के, और अंदर फैमिली का बैठने का भी इंतज़ाम बड़ा ही प्यारा है गाइस। तो ये देखिए यहाँ पर आके आप अपना फास्ट फूड इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी फैमिलीज बैठ के अपना इंजॉय कर रही है लंच, और अपना ऑर्डर्स प्लेस करी। हमने भी एक छोटा सा ऑर्डर दिया है, जस्ट फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक और चाय का, क्योंकि हमें भूख नहीं लगी थी गाइस, इसलिए हमने जस्ट छोटा सा ऑर्डर दिया। और ये देखिए हम अब एक और पिंजरे की तरफ आ गए हैं, जहाँ ब्लैक पिकॉक है, और बड़ा ही खूबसूरत सा ये मोर है, ब्लैक कलर का, बड़ा ही नायाब है, और इसके सर का जो ताज है वो बहुत ही खूबसूरत है गाइस। तो ये देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे और भी दूसरे बर्ड्स रखे गए हैं इधर, और कितना प्यारा मोर था वो तो आप देख ही चुके हैं, और देखिए कुछ ऊपर की साइड भी है, तो बड़े ही प्यारे प्यारे हैं और बड़े ही खूबसूरत से इस पिंजरे में बड़े ही प्यारे और खूबसूरत से परिंदे रखे गए हैं, नायाब नायाब किस्म के। और गाइस इसे क्या कहते हैं आपको पता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि ये कौन से बर्ड्स हैं। तो आप प्लीज़ इनका नाम कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि इस बर्ड के नाम क्या हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था, शायद आपको पता है तो आप प्लीज़ ये इंफॉर्मेशन मुझे भी दे दें। तो चलिए आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए चाइना मुर्गी जो चाइना से आई हुई है बेसिकली, और आपको ये नॉर्मल मुर्गे भी देख सॉरी पीकॉक भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बड़े ही प्यारे प्यारे पीकॉक्स यहाँ पर हैं। तो चलिए आइए अब हम हाथी घर की तरफ बढ़ते हैं, और ये देखिए एलिफेंट हाउस है, और अब हम एक एलिफेंट हाउस की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा हाथी हुआ करता था, वो बेचारा बीमार हो गया था इसलिए एक्सपायर हो गया था, तो यहाँ पर एक दूसरा हाथी लाया गया है गाइस। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथी को लोग कुछ इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर हाथी के पास खड़े रह के, और कुछ खाने पीने को लिए भी देते रहते हैं। तो यहाँ पर आके आप प्लीज़ इनको ज़रूर खाना पीना दीजिए ताकि ये इंजॉय भी करें और हमें इंटरटेन भी करते रहें।
तो देखें वो बच्चे वगैरह कुछ इनको फ्रूट्स वगैरह देते हैं, तो ये देखें कितने अच्छे से खा रहे हैं और इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और हैप्पी भी हो रहे हैं। देखें ये फ्रूट्स बच्चा दे रहे हैं इस हाथी को और ये हाथी कितना एंजॉय कर रहा है खाना। तो ये सामने ही आपको बच्चों के लिए बड़े ही प्यारे प्यारे टॉयस वाले स्टॉल दिख जाएंगे। तो ये देखिए कितने ही प्यारे टॉयस लगे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक रिंग नेक करके बर्ड्स दिखेंगे और यहाँ के बर्ड्स तो वाह 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 क्या बात है, क्या लाजवाब बर्ड्स है गाइस, और कितने ही खूबसूरत हैं। और आई होप कि आपको ये दिख रहा हो क्योंकि ये पिंजरे की बहुत मोटी जाली है और हमारा कैमरा इतना खास नहीं है कि वो जाली को अंदर से जूम करें। जितना हो सकता था गाइस इतना हमने जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये वैसे तो आप लाइव आएंगे और यहाँ पर ये देखेंगे तो आपका तो वाकई में दिल आ जाएगा गाइस कि ये बर्ड्स तो आप ऐसा लगेगा कि आप घर ही लेके चले जाएं। तो बड़े ही प्यारे प्यारे यहाँ पर बर्ड्स रखे गए हैं और उनकी इंफॉर्मेशन भी बड़ी अच्छी है। तो यहाँ पर आप आए उनकी इंफॉर्मेशन भी हासिल करें गाइस और इंजॉय करें इस जू को। तो चलिए अब हम थोड़ा झील की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर एक आर्टिफिशियल झील बनाई गई है जो बारिश के पानी से यहाँ पर कुदरती बन चुकी है। और यहाँ पर देखिए बड़े छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम भी बोटिंग करते हैं और इस बोटिंग का भी इंजॉय करते हैं और आपको भी करवाते हैं गाइस इंजॉय। तो चलिए अब हम टिकट काउंटर की तरफ भी बढ़ते हैं और ये देखिए कितने ही प्यारे हैं। और बच्चों के लिए खास सेफ्टी का भी इंतजाम किया गया है कि बच्चों के लिए एक जगह मुकर्रर की गई है कि इससे आगे बच्चे नहीं जा सकते। और यहाँ पर 24 घंटे लाइफ गार्ड भी खड़े रहते हैं और बच्चों को गाइड करने के लिए ताकि बच्चे कहीं आगे ना निकल जाएं। और एक रस्सी भी बंधी हुई होती है ताकि बच्चे इस गाइडलाइन से आगे नहीं जाए। और कुछ एज के हिसाब से ही बच्चों को अलाउ करते हैं, हर किसी बच्चे को यहाँ पर अलाउ नहीं है गाइस। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बोटिंग सिस्टम है। तो अब हम टिकट लेते हैं और हम भी इंजॉय करते हैं। तो ये देखें हमने टिकट ले ली है और इस बोटिंग की टिकट सिर्फ 100 रुपीज़ है। तो आइए आप 100 रुपीज़ में इंजॉय करते हैं इस बोट की टिकट्स को। तो आप देख सकते हैं कि ये 100 रुपीज़ हमने जस्ट छोटा सा ऑर्डर दिया। और ये देखें हम अब एक और पिंजरे की तरफ आ गए हैं जहाँ ब्लैक पिकॉक है और बड़ा ही खूबसूरत सा ये मोर है, ब्लैक कलर का, बड़ा ही नायाब है। और इसके सर का जो ताज है वो बहुत ही खूबसूरत है गाइस। तो ये देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे और भी दूसरे बर्ड्स रखे गए हैं इधर। और कितना प्यारा मोर था वो तो आप देख ही चुके हैं। और देखिए कुछ ऊपर की साइड भी है तो बड़े ही प्यारे प्यारे हैं और बड़े ही खूबसूरत से इस पिंजरे में बड़े ही प्यारे और खूबसूरत से परिंदे रखे गए हैं, नायाब नायाब किस्म के। और गाइस इसे क्या कहते हैं आपको पता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि ये कौन से बर्ड्स हैं। तो आप प्लीज़ इनका नाम कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि इस बर्ड के नाम क्या हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था, शायद आपको पता है तो आप प्लीज़ ये इंफॉर्मेशन मुझे भी दे दें। तो चलिए आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखिए चाइना मुर्गी जो चाइना से आई हुई है बेसिकली। और आपको ये नॉर्मल मुर्गे भी देख सॉरी पीकॉक भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बड़े ही प्यारे प्यारे पीकॉक्स यहाँ पर हैं। तो चलिए आइए अब हम हाथी घर की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिए एलिफेंट हाउस है। और अब हम एक एलिफेंट हाउस की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा हाथी हुआ करता था, वो बेचारा बीमार हो गया था इसलिए एक्सपायर हो गया था। तो यहाँ पर एक दूसरा हाथी लाया गया है गाइस। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथी को लोग कुछ इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर हाथी के पास खड़े रह के, और कुछ खाने पीने को लिए भी देते रहते हैं। तो यहाँ पर आके आप प्लीज़ इनको ज़रूर खाना पीना दीजिए ताकि ये इंजॉय भी करें और हमें एंटरटेन भी करते रहें। तो देखें वो बच्चे वगैरह कुछ इनको फ्रूट्स वगैरह देते हैं, तो ये देखिए कितने अच्छे से खा रहे हैं और इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और हैप्पी भी हो रहे हैं। देखें ये फ्रूट्स बच्चा दे रहे हैं इस हाथी को और ये हाथी कितना एंजॉय कर रहा है खाना। तो ये सामने ही आपको बच्चों के लिए बड़े ही प्यारे प्यारे टॉयस वाले स्टॉल दिख जाएंगे। तो ये देखिए कितने ही प्यारे टॉयस लगे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक रिंग नेक करके बर्ड्स दिखेंगे और यहाँ के बर्ड्स तो वाह 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 क्या बात है, क्या लाजवाब बर्ड्स है गाइस, और कितने ही खूबसूरत हैं। और आई होप कि आपको ये दिख रहा हो
क्योंकि ये पिंजरे की बहुत मोटी जाली है और हमारा कैमरा इतना खास नहीं है कि वो जाली को अंदर से जूम करे। जितना हो सकता था गाइस इतना हमने जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये वैसे तो आप लाइव आएंगे और यहाँ पर ये देखेंगे तो आपका तो वाकई में दिल आ जाएगा गाइस कि ये बर्ड्स तो आप ऐसा लगेगा कि आप घर ही लेके चले जाएं। तो बड़े ही प्यारे प्यारे यहाँ पर बर्ड्स रखे गए हैं और उनकी इंफॉर्मेशन भी बड़ी अच्छी है। तो यहाँ पर आप आए उनकी इंफॉर्मेशन भी हासिल करें गाइस और इंजॉय करें इस जू को। तो चलिए अब हम थोड़ा झील की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर एक आर्टिफिशियल झील बनाई गई है जो बारिश के पानी से यहाँ पर कुदरती बन चुकी है। और यहाँ पर देखिए बड़े छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम भी बोटिंग करते हैं और इस बोटिंग का भी इंजॉय करते हैं और आपको भी करवाते हैं गाइस इंजॉय। तो चलिए अब हम टिकट काउंटर की तरफ भी बढ़ते हैं और ये देखिए कितने ही प्यारे हैं। और बच्चों के लिए खास सेफ्टी का भी इंतजाम किया गया है कि बच्चों के लिए एक जगह मुकर्रर की गई है कि इससे आगे बच्चे नहीं जा सकते। और यहाँ पर 24 घंटे लाइफ गार्ड भी खड़े रहते हैं और बच्चों को गाइड करने के लिए ताकि बच्चे कहीं आगे ना निकल जाएं। और एक रस्सी भी बंधी हुई होती है ताकि बच्चे इस गाइडलाइन से आगे नहीं जाए। और कुछ एज के हिसाब से ही बच्चों को अलाउ करते हैं, हर किसी बच्चे को यहाँ पर अलाउ नहीं है गाइस। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बोटिंग सिस्टम है। तो अब हम टिकट लेते हैं और हम भी इंजॉय करते हैं। तो ये देखें हमने टिकट ले ली है और इस बोटिंग की टिकट सिर्फ 100 रुपीज़ है। तो आइए आप 100 रुपीज़ में इंजॉय करते हैं इस बोट की टिकट्स को। तो आप देख सकते हैं कि ये 100 रुपीज़ की टिकट्स हमने ले ली और अब हम भी बोटिंग के लिए जा रहे हैं गाइस। और देखें अब हम बोटिंग के लिए बैठ चुके हैं गाइस और अब हम इस बोटिंग का सफ़र शुरू करते हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फैमिलीज कितनी इंजॉय कर रही है बोटिंग्स में। और ये देखें लाइफ गार्ड्स भी इधर हर वक्त रहते हैं और ये देखिए कितनी सारी फैमिलीज आके इस बोटिंग को इंजॉय करती है। तो गाइस ये सनसेट का व्यू देखें और फिर ठंडे ठंडा पानी और ठंडा ठंडा इन्वायरमेंट है और यहाँ पर आके बोटिंग करें तो आप पर्सनली आपको मैं कह रही हूँ कि बहुत आप इंजॉय करेंगे इधर ये बोटिंग। तो ये देखिए हम भी बोटिंग कर रहे हैं और आपको यहाँ का व्यूज दिखा रहे हैं कितनी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और कितना मजा है यहाँ पर गाइस आप सोच भी नहीं कर सकते। आप आइए और इस पल को जरूर इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ और फन कीजिए इंजॉय कीजिए गाइस। और बहुत ही मज़ेदार है, हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस बोट राइड पर। और इंशाल्लाह हम जब पार्ट 2 बनाने आएंगे तब भी हम इस बोट राइड पर बैठेंगे। और यहाँ के बोट राइड बहुत ही मज़ेदार सी है गाइस और आप देख सकते हैं कि हम कितना इंजॉय करें इस बोट राइड को गाइस। तो आप भी आइए इस बोट राइड पर और आप भी इंजॉय कीजिए इस बोट राइड को। तो ये देखें हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक लोग जा रहे हैं इस बोट राइड को लेते हुए इस बोट को। अच्छा गाइस आपको एक बात तो मैं बताना ही भूल गई थी, ये यहाँ पर आप मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि आप ये खुद भी चला सकते हैं। और अगर आपको खुद नहीं चलानी तो यहाँ पर एक किश्ती वाला भी है जो चाबुक से पुराने ज़माने की तरह किश्ती चलाते हैं तो आप उससे भी बैठ सकते हैं। उसकी भी टिकट सिर्फ 100 रुपये है तो आप उसमें भी बैठ के इंजॉय कर सकते हैं गाइस। और इसमें अगर आपको बोटिंग करना आती है तो आप इस बोट में भी बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस सफ़र को यहीं स्टॉप करते हैं और अपने एंड की तरफ बढ़ते हैं और अपनी बोट को हम अब आगे लेके जाते हैं ताकि इस बोट को हम स्टॉप करें और इस सफ़र को हम यहाँ पर ही अलविदा कह दें। तो ये देखें अब हम अपने सफ़र को अलविदा की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये देखें पब्लिक अभी भी स्ट्रीम आ रही है, यहाँ पर बहुत रश लगा हुआ है और ये बोट हमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था गाइस कि हम कहाँ लेके जाएं क्योंकि हमने ये फर्स्ट टाइम आप